नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम गुड़हल के बारे में थोड़ा बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो बागवानी के शौकीन हैं या बाग बगीचे में काम करने वाले हैं उन भाइयों के लिए मैं थोड़ी मेरी राय दूंगा जो मैं नॉलेज है मेरे को। सबसे पहले आप काम करने से पहले, क्योंकि सर्दी का महीना शुरू हो गया है तो इसमें आपके हाथ फट जाते हैं, तो आप तेल वगैरह ना लगा के ऐसे एलोवेरा का पत्ता तोड़ें। तोड़ने के बाद इसका जो जेल है ना, इसका ऐसे जेल निकलेगा, ये ऐसे ऐसे। जब आप अपने बगीचे में काम करते हो तो आपके इससे हाथ नहीं फटेंगे, आप प्लीज़ ये ऐसे लगाइए। हम तो अपने बगीचे में ऐसे यूज करते हैं और आपके हाथ नहीं फटेंगे। तेल अगर आप लगाओगे तो वो मिट्टी को पकड़ता है, मिट्टी को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा ये। आप ऐसे लगाइए और फिर अपना बगीचे में काम शुरू करिए, तो इससे आपके हाथों को इतना आराम मिलेगा, फटेंगे भी नहीं सर्दी में, यानी मार्च तक आप ये काम करो। देखिए अब गीला है ना, ये बिल्कुल फ्री की दवा है, हर बगीचे में हर घर में मिल जाएगी ये। जब आप मिट्टी में हाथ मारते हो, बगीचे में काम करते हो, ऐसे करिए आप, ये कितना शानदार हो गया है। और फिर अपना काम शुरू करिए, आपके हाथ बिल्कुल नहीं फटेंगे, क्योंकि गार्डन में काम करने से मिट्टी लगती है, बार बार हाथ फटते हैं। तो ये जो गुड़हल का पौधा है ना, ये हर घर में हर बगीचे में आसानी से मिल जाता है और हर आदमी इसको अपने बगीचे में लगाते हैं। तो हमारे जो नर्सरी में जितने भी कस्टमर आते हैं उसमें से 80% ये कहते हैं कि हमारे गुड़हल के वो सफ़ेद सफ़ेद गोंद सा बन गया। जैसे कि ये हमारा फ्रेश पेड़ है और ये धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए इसी में ये बन जाता है, ये देखिए, ये लार्वा बन जाता है ये। और ये गुड़हल में सबसे ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों हमारी राय है ये, जो हमने अपनी नर्सरी में करते हैं और करते रहते हैं, तो जब ये सफ़ेद सफ़ेद ये फंगसी लग जाती है ना, इसको कई नाम से पुकारते हैं, कोई सफ़ेद चेपा इंग्लिश में आते हैं, वो मिली बग लग गया, तो ये चींटियों से ज़्यादा बनता है। चींटियाँ जिस पेड़ के इर्द गिर्द रहेंगी, ऊपर चढ़ती हैं, तो उससे कुल मिला के ये बनता है। तो आपके गमलों में अगर चींटियाँ हो जाती हैं तो आप कोई दवाई का प्रयोग करिए और उनको हटाइए। तो ये जब ऐसे बन जाता है, देखो हमारे 4-5 गुड़हल में बन गया था, तो हम हफ्ते में 2 बार इस पर वो पाउडर फेंकते हैं, इसकी हालत में सुधार आने लग गया और ये भी ख़त्म हो गया। और अभी भी देखिए इस पर चींटियाँ ही चल रही हैं, ये चल रही है अब इसमें, अब ये धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुई है। तो ये देखिए पत्ते शुरू हो गए सारे, अभी इसकी जान बची है गुड़हल की, और ये देखिए सब में फुटाव आ गया है। तो इसको बचाने का तरीका ये है, ये लगने से पहले ही आप गुड़हल का ध्यान दे लो। और ध्यान देना भी क्या है, जब आपके बगीचे में गुड़हल के 4-5 पौधे हैं तो आप हफ्ते में बगैर किसी से पूछे जब आपकी गुड़ाई वगैरह करते हो, खाद डाल दे, तो गुड़हल के पौधे में आसपास के और भी पौधे सब में ये पाउडर डाल दिया करो, मेलाथियन का पाउडर सुखा रहा है ये, तो ये डालो। और ये डालने का तरीका ये है, या तो सुबह सुबह जब ओस गिरी मिलती है ना, गीले गीले पत्ते रहेंगे, सारा काम करने के बाद जब डाल दो, या आप पानी डाल रहे हो पत्तों पर पानी मारो, अड़के पत्ते सूख जाए तो ऐसे डाल दो, पत्तों के भी चिपक जाएगा डंडी को, और थोड़ा थोड़ा आप ऐसे गमले में नीचे भी डाल दो, ऐसे नीचे मिट्टी में भी मिला दो। तो हफ्ते में एक दिन डालोगे तो कभी भी आपके गुड़हल में ये बीमारी नहीं आएगी। जब इसका लग जाता है तो जब हम ध्यान देते हैं, फिर चाहे इसकी डंडी काट दो या कुछ, उसमें हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें हमें ज़्यादा दवाई डालनी पड़ेगी। तो हफ्ते में एक दिन यानी महीने में 4 बार आप ये पाउडर फेंक दो, तो गुड़हल क्या और पौधों में भी ये फंगस वगैरह नहीं लगेगी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये आप डालोगे तो आपके गुड़हल नहीं और पौधे भी हरे भरे रहेंगे। ये और पौधों में भी लगता है मगर गुड़हल में ये 100% लगता ही लगता है। तो ये इस पेड़ को ऐसे हालत में ला देता है ये। और अब दोबारा देखो, जो हमने इस पर अपना ये पाउडर डाल के मेहनत करी तो ये ऐसे बच गई, अब सब पत्ते बनने लगे, छोटे छोटे निकलने लगे, और ये धीरे धीरे ये भी ख़त्म हो गया। हम इसको हफ्ते में 2-3 दिन मार रहे हैं, ये कभी भी आपके गुड़हल में ये फंगस नहीं लगेगी, मिली बग नहीं लगेगी। तो आप और इसकी कोई ज़्यादा केयर नहीं, बस इसी से बचा लो, आपका कभी गुड़हल ख़राब ही नहीं होगा। शिकायत थी मैंने मेरे ग्राहकों को, 80% आते हैं तो ये बोलते हैं लगया नहीं अंकल, लगया नहीं, महंगा पौधा है, मेहनत भी करते हो तो मन दुखी होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो मेरा नॉलेज है मैंने आपसे शेयर किया है, आप इसको करिए और अपने गुड़हल को बचाइए और बगीचे में जो पौधे हैं उनको भी बचाइए।
बस हफ्ते में एक बार प्लीज बगैर पूछे किसी से डाल दो, अच्छे क्वालिटी का लाओ और डाल दो, तो आपका गुड़हल 100% बचेगा और फूल भी खूब देगा। ये देखिए जड़ों में, ये देखिए ये बनाते हैं लारवा। ये अभी भी इसमें ढेर बचे हुए हैं, मगर पेड़ में सुधार आने लग गया, हम आज फिर डालेंगे इसमें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और जब आप ये डालते हो उसके बाद हाथ धो लेना। जितने भी ये हैं ना, ये यही लारवा बनाते हैं, तो ये आप इससे आपका पेड़ साफ हो जाएगा। देखने में ज़रा ज़रा से, मगर ये हमारे इतने मेहनत को भी ख़राब कर देते हैं। तो आप ये बगैर इसके लगने से पहले ही आप ये दवाई का प्रयोग करिए तो गुड़हल में, और गुड़हल की कोई ज़्यादा केयर है नहीं, सीजन पर फूल हमेशा भरमार देगा। ये बस बचाना हमने इससे, ये फंगस ही है ना, और ये चींटियों से आती है, ये छोटे छोटे देखिए पन्नी में भरे पड़े हैं ये, और ये इस हालत में है तो फिर ऐसे बना देता है तो दुख होता है। देखिए कलियाँ कितनी आई हैं, सारी कलियाँ भी चट हो जाती हैं हमारी, यानी एक कैंसर सी लग जाती है पेड़ के। तो इसको बचाने का ये तरीका दोस्तों, आप अपने बगीचे में जो भी गुड़हल का पेड़ है, औरों में भी लगता है, तो आप बगीचे में ये डालिए तो आपका गुड़हल कभी भी ख़राब नहीं होगा और फूलों से भरा रहेगा। और सीजन में फूल तो ये देगा, 100% देगा, क्योंकि इसका सीजन होता है, जब ये रुकता नहीं है, फूल पर फूल देता रहता है। भाई यही बीमारी इसको ख़राब करती है, और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा नॉलेज था, जो मैं अपनी नर्सरी में करता हूँ, मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने गुड़हल को इस तरीके से बचा सकते हो, जो मेरा नॉलेज था नर्सरी में, जिस तरीके से मैं करता हूँ मैंने वो करके आपको बताया। क्योंकि हमारे पास जो भी आता है ना, 80% उसमें से यही होते हैं कि गुड़हल मर गया, गुड़हल मर गया, कभी लगता ही नहीं अंकल जी, और ये सफ़ेद सफ़ेद लग गया। तो मैं आज मैं इसकी वीडियो बनाई, तो अगर आपका ये समझ में आए, आप करके देखिए, अगर आपका गुड़हल भी बच सकता है और आपके फूलों से, आपका गुड़हल फूलों से भरा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।